डूबते सूरज के सामने उसकी काली तहकाय खड़ी शहर की तरफ देख रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। ये शहर कभी उसका अपना था, शहर जहां वो पैदा हुआ था। शहर जहां पर वो पैदा हुआ था, बड़ा हुआ था, उससे बहुत प्यार करता था, और अब वही शहर एकदम नरक हो चुका था। अरे भाई, तो काली साहब का क्या मतलब है? यार मैं एक बार पूरा सुना देता हूँ, उसके बाद तुम पूछ लेना मतलब क्या है। अरे मेरे को समझ में नहीं आया, तो पूरा कैसे सुनाएगा यार? तो एक काम कर, इसके साथ एक हिंदी डिक्शनरी छाप देना, तब मुझे समझ में आएगा। मैं छाप दूंगा अगर तू पूरा सुनेगा, तेरे को समझ में भी आएगा। सुनो, मेरे को तो भारी भारी शब्द यूज करेगा तो मेरे को समझ में नहीं आएगा ना। ये है क्या लेकिन? अरे ग्राफिक नॉवल है यार, मुंबई का पहला सुपर हीरो। क्या बात कर रहे हैं, तो रावण था ना? जीवन रावण था, फिल्म का नाम रावण था, लेकिन पहला हीरो जीवन था, रावण विलन था। फिल्म का नाम रावण क्यों था? अरे यार क्या फर्क पड़ता है रावण जीवन, यार मैंने पूरा जीवन लगा दिया लिखने में यार, तुम एक बार सुन लो, तुम अलग ही टेंशन पे चले गए हो यार। भ्रष्टाचार दीमक की तरह शहर को खोखला कर चुका था। हर पुलिस वाला उस बाहुबली की चाकरी करता था, हर मिनिस्टर उस बाहुबली की चाकरी करता था, सुपर हीरो बाहुबली की छोकरी को करता था। मैं भावेश और सिक्कू को पहली बार 2011 में मिला। चारों तरफ उम्मीद का माहौल था, ऐसा लग रहा था कि पूरा देश करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहा है, एक नए दौर की तैयारी हो रही है। आप लोग इधर प्रोटेस्ट क्यों आए हैं? देखिए हमें लगता है करप्शन एक्सपर्ट या अंशित सिंह, अंशित सिंह बस। और इस माहौल में ये दो आइटम बस जेल की हवा खाना चाहते हैं। कहीं से दिल के कोने में बटन है एक नादानी का, दबा 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 गुलम ना लेके आया हूँ बबल गम एक शैतानी का, दबा 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 जहाँ तक देन मिलती हो खुशी का वो ठिकाना है, कहाँ 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 तेरी ही नाक देनी थे खुशी मौजूद है बगले यहाँ 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 तो चल सिक्कू के साथ पुलिस वालों को भी बड़ा मजा आया। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि लॉकअप में इतना मजा आ सकता। सच कहूं तो वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे मजेदार था। शायद भावेश और सिक्कू को ही दिक्कत, क्योंकि उस दिन के बाद तो उन्होंने मुझे गोद ही ले लिया। उस टाइम में एंटी करप्शन का झाड़ू लिए मिडिल क्लास के कई मसीहे आए। अगर भावेश और सिक्कू को लगता था कि मूवमेंट को किसी झाड़ू वाले मसीहे की जरूरत नहीं थी, उनका मानना था कि कचरा उन्हीं लोगों को साफ करना चाहिए जिन्होंने बीच रास्ते में जाकर खुद गंदगी फैलाई थी। लोग फेसबुक पे तो फोटो अपलोड कर देंगे अपनी फिंगर की, बट आफ्टर दैट नो वन विल लिफ्ट अ फिंगर, मैन नॉट वन फ्रिकिंग फिंगर। मैंने देखा है, उठाते हैं लोग दूसरों पे, उसकी गलती उसकी जिम्मेदारी, सरकार का फेलियर उसने किया। कचरा फेंकने के लिए कचरे के डब्बे तक जाते नहीं है ये लोग, लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर सोशल मीडिया पे बड़े बड़े निबंध जरूर लिख देते। जोशी देश में तरक्की कर रहा हो, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? पॉपुलेशन के मामले में तो टॉपर है हम लोग। भाई हम लोग क्या कर रहे हैं? मतलब नहीं, हम लोग तो दारू पी के कंप्लेंट नहीं कर रहे ना, नहीं है ना? तो हमें कुछ करना है इसको, लेकिन क्या और कब? एक आइडिया है। आई एम गन, ये पेड़ क्यों काट रहा हूं? ए बाबा जा ना, काम करने दे, जा। तेरे दादा कानून के खिलाफ है। खिलाफ है कानून का, म्यूनिसिपालिटी का, सबका परमिशन है मेरे पास, समझा? चलो जाओ। क्या भाड़ में पेड़ के भी फीलिंग्स होते हैं, क्या आपने पेड़ से पूछा? अरे पूछा कि नहीं पेड़ से,
तू काट रहे कर। yes! काट बोला ना रुको काट बोला अबे उसे पीछे नहीं आप क्या हो रहा है हम कितने सालों से ये पेड़ बचाने की कोशिश कर रहे हैं बट कोई सुनते नहीं है कोई इंटरेस्टेड नहीं है आप लोग आके हमारे पेड़ बचाए इसलिए बहुत बहुत थैंक यू मेरी बात सुन आगे से सोसाइटी में कोई इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझा थैंक यू इंसाफ फॉर सॉल्विंग आवर इंटरनेट प्रॉब्लम थैंक यू मैम इंसाफ के रखवाले जोरों से आगे बढ़ रहे थे जहाँ भावेश फ्रंट फुट पर खेलकर इंसाफ का चेहरा था बैक एंड से सिक्को अपनी टेक्निकल नॉलेज से नहीं सोच रहा था बहुत है मेरे भाई याद रखो भाई और बहनों हम तो लंबी में बच्चे लोग अगर कभी भी कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो कहीं भी कोई गलत करता हुआ दिखे Oh my god, this is so cool. We're basically like the Indian Justice League. So, you are like Spider-Man. No, that's Marvel. We're DC. We're cooler. We're darker. We're edgier. So, how did you start doing this? You know, I used to be like everyone else. But there comes a time when you must heed a certain call. When the world must come together as one. Because there are people dying, you see, and sometimes you need to lend a hand to life. The greatest gift of all, we are the world. Michael Jackson. Tumhe seriously lagta hai? कि किसी YouTube पे हीरो बन के और माइकल जैक्सन के लिरिक्स चुरा के तुम किसी भी लड़की को पटा लोगे इतनी छोटी सोच है तुम्हारी हम लोग एक मूवमेंट स्टार्ट करें ओके रियली या इट्स अ मूवमेंट आई टोटली गेट इट्स सच अ नोबल कॉज शी टोटली गेट्स इट इट्स अ नोबल कॉज कुछ लोग हैं जो इस देश के बारे में इस शहर के बारे में और हमारे लोगों के बारे में एक्चुअली केयर करते सो विल यू प्लीज गेट ऑफ योर हाई हॉर्स एंड स्टॉप जजिंग पीपल क्या? पीछे ले ये बताओगे क्या पीछे ले सिग्नल तोड़ा तूने हाँ सिग्नल तोड़ा सिग्नल तोड़ा साले ने पीछे कहाँ सिग्नल तोड़ा यार सामने इस समय पीछे ले बारह बजे बारिश हो रही है तो सिग्नल तोड़ेगा तू पांडू भी नहीं यहाँ तो पांडू नहीं है तो सिग्नल तोड़ेगा तू सीधा पुलिस थाने लेके जाऊंगा मैं पीछे ले क्या हटाओ यार क्या पुलिस थाने लेके जाऊंगा पीछे पांडू पीछे ले रहे ले रहे भैया ले रहे क्या हुआ क्या हुआ क्या क्या हुआ अरे सिग्नल का कोई मतलब होता है यार ग्रीन अब जा सकते हैं मालूम है तेरे बाप की दीवारें जो धो रहा है बच्चा अच्छी हो गया
लोग कराटे क्यों सीख रहे थे? कितना पड़ेगा भाई? ना फ्रेंच ब्रेड जैसे कमीने ना ऐसे करते रहेंगे, ये बार उसका कट का जवाब चौप होगा। सही कह रहे हैं, लेकिन कराटे सीखने के लिए कुत्ता पजामा पहनना जरूरी है क्या? फील आती है यार, चल इंसाफ पहुंच। ऑन द फ्लोर राइट नाउ। गुड। पूरी जिंदगी में ब्रूस ली ने भी ऐसा नहीं किया होगा यार। यू टू कीप क्वाइट, मूव फॉरवर्ड। यस सर। गो। अबे पागल है क्या? ए फ्रेंच ब्रेड पीछे ले, बन रहे हैं। इसको को लगता है डर गया, गाड़ी छोड़ के भाग रहा है। डिक्की में क्यों जा रहा है? अबे ओ शिट, तू तू अबे डंडा दिखाता है साले। अरे यार किसने, मैं तो अकेले ही पिट गया, अब कुछ कर भी नहीं पाया। बात कर रहा यार, तू पिटा मैं पिटा एक ही बात है। टुगेदर मैन जीतेंगे तो साथ में, मार खाएंगे तो भी साथ में। यार एक बात बताओ, तुम्हें अपने पुर्जे रीअरेंज करवाने में ज्यादा मजा आता है क्या? नहीं कब तक करोगे इंसाफ वाला नाटक? ये नाटक नहीं है, ये ना परिवर्तन की लहर है, वे ऑफ चेंज। इसी लहर पे सर्फ करते करते ना बदलेंगे हम देश को। तुम दोनों ना एक बात समझ लो, तुम फेसबुक ट्विटर से ना कुछ देश वेश नहीं बदल रहे हो, तुम खाली अपनी बेवकूफी को ना एडवर्टाइज कर रहे हो। मरोगे तुम दोनों और डूबोगे। कैसे बदलेंगे देश? छोटे कदमों से। आज हम दो हैं, कल 2000 होंगे। बस एक दूसरे को प्रॉमिस करना चाहिए कि हम इंसाफ करते हैं। इंसाफ करें। आज देश के शहरों में होने वाले कई आंदोलनों में उदासी छाई थी। मुंबई के MMRDA का ये खाली मैदान जन लोकपाल आंदोलन की असफलता को दर्शाता है। सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाली आवाजों को पूरी तरह शांत कर दिया है और इसे जन लोकपाल आंदोलन का निराशाजनक अंत माना जा सकता है। रियलिटी हिट करती है तो बंदे को बदल देती है। सिक्कू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लोकपाल मूवमेंट के फेलियर के बाद सिस्टम की लड़ाई पॉइंटलेस लगने लगी और इंसाफ शो और एक नए देश का सपना खोखला। शहर बढ़ता गया, 5 साल बीत गए। भावेश को फिर भी लगता था कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, पर सिक्कू ने तो फुल गिव अप मार दिया था। इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर लाखों लोगों की तरह उसने भी अपनी जिंदगी कॉरपोरेट गुलामी में लगा दी। दिन के 8 घंटे बैठकर किसी MNC के लिए कोडिंग करता था और एक दिन वो कॉल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सर, कंपनी US में ऑफिस खोलना चाहती है और वहां का सेटअप डेवलप करने के लिए वो चाहते हैं कि यहां से कोई वहां आए। तुम जाना चाहोगे? US में कहां? अटलांटा। बाकी डेवलपमेंट टीम को लीड करने की बात कर रहे हैं। सच में? तू है ना? सीरियसली पूछ रहा हूँ। मैं भी सीरियसली बोल रहा हूँ भावेश, तू है ना? इंसाफ करके 5 साल में हमने क्या उखाड़ लिया? क्या बात कर रहे हैं यार, हमने आरिफ भाई उसको ठीक किया। उसके बाद सब केबल और इंटरनेट ऑपरेटर्स बहुत ही नेक हो गए ना भावेश। अरे तो एक रात में चीजें नहीं बदलती यार, इट टेक्स टाइम, टाइम लगता है भावेश। लोगों को अपनी जिंदगी के बारे में खुद परवाह नहीं है यार, हम लोग अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं यार? मुंबई के हर प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट होता है कि ट्रैक्स क्रॉस मत करो। लोग सुनते नहीं सुनते, एक मिनट बचाने के लिए ट्रैक्स क्रॉस कर देते, गाड़ी ठोक देती है और फिर क्या? रुक 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 रुक, क्या हुआ? गाड़ी रुक। अरे हुआ क्या? पिछले पिछले सिग्नल तोड़ा तूने पिछले। मैं कुछ बोल रहा हूँ भावेश, तो बोल रहा तो मतलब ऐसी सिग्नल तोड़ देगा तो पिछले पीछे। बात सुन पहले,
पीछे ले नहीं लूंगा यार। स्टॉप द कार यार, मुझे दिखाएगा ये, रिलैक्स मुझे दिखाएगा, मुझे दिखाएगा, तू दिखाएगा मुझे, ले पीछे ले, रुको भावेश बिहार, मुंबई का रखवाला, मलाड का फेमस इंसाफ महल। हेलो, मैं इंसाफ बोल रहा हूँ। तुम्हारा एप्लीकेशन पुलिस चौकी में उधर से क्लियर करना पड़ेगा। सर लेकिन दो हफ्ते पहले पुलिस वाले घर पे आके वेरिफिकेशन करके चले गए थे सर। लेकिन हमारे पास नहीं आया ना अभी तक। सर एक मिनट, ये मैसेज जरा देखना। इट सेज पासपोर्ट एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस। हाँ, ये तीन हफ्ते पहले आया था। बराबर है, लेकिन इधर नहीं आया अभी। तो अब मैं क्या करूँ सर? जाके बात करो पासपोर्ट ऑफिस। अरे नहीं रे बाबा, पुलिस चौकी में जाके बात करो, लोकल बीट पे। हमारा आदमी तुम्हारे घर पे गया था, घर पे नहीं था। सर मैं था घर पे, मैंने बात की उससे। इधर देखो क्या लिखा है, तुम्हारे घर पे ताला था, तुम घर पे नहीं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आओ और वापस सबमिट करो। सर मैं था घर पे, मैंने उससे पानी पिलाया। अरे अभी अतिथि को पानी पिलाना तुम्हारा कर्तव्य है ना। सर वो तो बात सही है, लेकिन अगर मैं घर पे था ही नहीं तो फिर उससे पानी कौन पिलाता? ठंडा पानी? हाँ ठंडा पानी। तुम्हारे घर पे फ्रिज है? हाँ है। कौन सी कंपनी का? अबे सिग्नल है, दिक्कत नहीं है क्या? तुम पैसे देके ये बात खत्म क्यों नहीं कर देते? दो मिनट में मिल जाएगा तुम्हारा पासपोर्ट। ये तुम कह रही हो? हाँ, ये मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ। मैं ब्राइड ले नहीं सकता, मैंने रिश्वत कभी दी नहीं है। रिश्वत दूंगा तो भावेश मुझे घर पे नहीं आने देंगे। अटलांटा मत जाओ, यहाँ रहो मेरे साथ। वैसे भी तुम चीजें बदलने की बात करते थे, सब ठीक करके दुनिया घूमने की बात करते थे। यहाँ मैं खुश नहीं हूँ। दुनिया बदलने की बात तो वो टाइम गया, तुम आओ अटलांटा मेरे। सीरियस देखो। आई एम बीइंग सीरियस। मैं वहाँ क्या करूँगी, मेरी इंटर्नशिप चल रही है यहाँ। इंटर्नशिप 6 महीने में खत्म हो जाएगी, तुम वहाँ पे भी तो पढ़ाई कर सकती हो। तुम पढ़ाई करना, मैं काम करूँगा, घर ले लेंगे, बाहर सफेद पेंशन होगा, ड्राइववे, बैकयार्ड, इवन आउट ऑफ गैराज। गैराज भी कन्वर्टेबल होगी, वीकेंड पे ड्राइव करेंगे कन्वर्टेबल में, शादी करेंगे पूरे अमेरिकन स्टाइल। आई डू प्रपोज कर रहे हो?
थैंक यू। उसे उतार क्यों नहीं देखा बेटे? वो मैं रिस्क नहीं ले सकता। बेटे मुझे नहीं पता तुम मेरी कितनी मदद कर सकते हो। वैसे तो मैंने कंप्लेंट की है, अखबार वालों के पास गया हूँ, पर किसी को इसमें कोई बड़ा क्राइसिस नजर नहीं आया। आप बताइए तो सही। पानी की समस्या हर जगह है, गर्मी में ज्यादा बढ़ती है, पर हमारे एरिया में, हमारे कॉलोनी में कोई भी सीजन में नहीं, दो साल से पानी की समस्या ज्यादा गंभीर। म्युनिसिपैलिटी वाले ने बोला दिन में दो बार पानी आएगा, आता है हफ्ते में एक बार, वो भी बिना बताए। मैंने वार्ड ऑफिसर से मिलने की कोशिश की तो बोलता है तुम तो इतने से काम है का, हमारा भरपूर काम है, बिजी है, बस बिजी है, ये बोल के टाल देता था। मैंने आरटीआई किया तब जाके वार्ड ऑफिसर मुझसे मिला और कहने लगा ओ लातूर में 6 महीने पाउस नहीं डाला, कंप्लेंट करता है लातूर में 6 महीना बारिश नहीं हुई है, कंप्लेंट करोगे? ऑफिशियल वाटर अनाउंसमेंट के हिसाब से दिन में 4 घंटे पानी आना चाहिए, अगर 6 नंबर वार्ड में हफ्ते में 4 घंटों के लिए पानी आता है ऐसा क्यों? कौन है अंदर के सर? मैंने वहाँ पे कंप्लेन भी करी थी लेकिन देखो सर से बात करके कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट मत करो। अरे खुर्सा काई को मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, इधर कंप्लेन करके कुछ फायदा नहीं है, पूरा पानी चूस लिया है, तुम्हारे घर से किधर पानी आएगा? सोचते मतलब? अरे बाबा टॉप लेवल का मामला है, सब सेटिंग होता है इधर। देने वाले बड़े पाइपलाइन से इन्होंने अपने इलीगल पाइप्स और मिनी पंप लगाए। पहले म्युनिसिपैलिटी की वाटर सप्लाई काट के क्राइसिस पैदा करते हैं, फिर वही पानी जो आप ही के लिए था उसको चुरा के टैंकर में भर के आप ही को पेट्रोल के भाव बेचते हैं खुलेआम।
अच्छा खासा खुफिया बिजनेस शुरू कर रखा है क्योंकि कोई सवाल करने के लिए तरफ हम आते हैं और हम सवाल पूछ रहे हैं और इन्हें जवाब देना पड़ेगा। जी सर। वीडियो देखा? हाँ सर मैंने देखा। ट्रांसफर में भी जानी है या कुछ करोगे भी? क्या? जी सर। पता करोगे बुड्ढा कौन है? जी सिकंदर खन्ना। सिकंदर खन्ना सर। अभी हमको तो यही दिखाई दे रहा है, देखो सर। वो बारिश हो रही है ना तो साथ में एक्चुअली लीक था। देखो अगर ये कागज सबमिट करोगे तो पासपोर्ट तो इकंदर खन्ना के नाम से ही बन गया सर। लेकिन एक बूंद पानी गिरा है सर। वो डॉक्यूमेंट तो सेम है, नाम पूरा सब साफ दिख रहा है, सिकंदर खन्ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। पहले भी मैंने सबमिट किया, आपने अपने चेक किया है सेम डॉक्यूमेंट? नए डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये ओरिजिनल है? नहीं चलेगा सर। मैंने ये सेम डॉक्यूमेंट्स एक महीने पहले सबमिट किए थे, सब पास हो गए थे, सेम वाले। ये तुम बोल रहे हो ना, इसमें लिखा है ऐसा कुछ? हाँ क्योंकि यहाँ पे सब झूठ लिखा है ना। वो लोग घर आए थे, वेरिफिकेशन किया, सब किया। यू नो आप लोग मुझे बोलो ना, आप लोग चाहते क्या हो मुझसे? क्या हो रहा है? इनको डरा रहे साहब, ये चिल्ला चिल्ला के बोलते कि इनका ये पासपोर्ट क्लियरेंस के लिए डॉक्यूमेंट पास कर दो। अब इस पे तो पानी पड़ गया है। हाँ कहीं नहीं सर, घर पे छत में लीकेज था, एक बूंद पानी गिरा डॉक्यूमेंट्स पे, लेकिन नाम तो साफ साफ दिखा दे रहा है। चिल्लाना बंद करो, कैसे पास करे? नहीं पास हो गई सर। क्यों सर, ये सेम डॉक्यूमेंट्स ने एक महीने पहले सबमिट किए थे, रिकॉर्ड है इनके पास। दोबारा डॉक्यूमेंट बनाओ, दोबारा सबमिट करो। तुम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खुले में रखोगे तो लापरवाही की कीमत कौन चुकाएगा? तुम चुकाओगे या पुलिस चुकाएगी? लेकिन सर आप मेरी बात नहीं सुन रहे। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, जाओ बाहर निकलो इसको। अंदर कॉर्पोरेटर साहब बैठे, चाय मिलो। हाँ चलो निका कांग्रेस साहब, चाय सांगरे सर। सर सिकंदर पासपोर्ट का काम हुआ? नहीं। क्या तो हरी कब? मेरे पास इतना टाइम नहीं है यार, जल्दी करो वरना मुझे किसी और को भेजना पड़ेगा। गुड, मिल जाएगा पासपोर्ट तेरे को। तू इतना चक्कर काटा, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पहला देने का ना, काम जल्दी होता। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, तुमने जो किया वो सही किया, तुमने वो किया जो सबको करना चाहिए था।
अगले हफ्ते मेरा बेटा आ रहा है, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। अब जो भी करना है वो तुम्हें करना है बेटे, जरा संभाल के कर। वो लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, मैंने नहीं बताया, मैंने नहीं बताया। पैसे मिला तुम्हें? क्या पूछ रहा हूं मैं, पैसे खिला तुम्हें? और क्या करता, और क्या करता? सीरियसली तू कंप्लेन कर सकता था, अरे FIR लॉन्च कर सकता था, तू एंटी करप्शन वालों को फोन कर सकता था, तू बुला सकता था यार। भाषण मत दे, बस हो गया ना यार, हो गया, डन। अच्छा मैं भाषण दे रहा हूं, तुम नारों का क्या हुआ? देखो ना, कभी रिश्वत लेंगे ना कभी रिश्वत देंगे, क्या हुआ? बोल दिया, हो गया खत्म, बस। डिस्गस्टिंग मैन। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या पासपोर्ट करा के आ गया, पैसे खिला के साला। मैं वहां जाता था, लाइन में वेट करता था यार, मेरी बेइज्जती होती थी वहां पे, मैं चक्कर काटता था, सबके सामने मेरी चड्डी उतारते, मुझे बुरा लगता था। तुझे कुछ पता है? तुझे नहीं पता? मुझे नहीं पता। नहीं, तू अपनी दुनिया में रहता ना, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है तुझे कोई आइडिया नहीं है। साले जस्ट बिकॉज तेरे को सिस्टम से डर लगता है, पुलिस वालों से डर लगता है ना, तो बहाने मत बना, मेरे ऊपर मत डाल, ठीक है? तुझे पता है क्या हो रहा है बाहर? तुझे पता है पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? एक बेचारे गुड्डे को मारा उन्होंने, क्योंकि इंसाफ थे, उसने सच सच आके सब कुछ बोला। इंसाफ याद है तुझे? हाँ, हमारा शो, तेरा शो जो तू एक टाइम भी किया करता था, याद है कि भूल गया? बैठ के बात कर लें। क्या बैठ के बात कर यार, क्या बोल रहा है ये पागल? क्या हुआ, किसने किसको मारा? यार बर्वे को यार, उसे पानी की चोरी के बारे में सब सच सच बोला, तो पुलिस वालों ने पुलिस स्टेशन में उसको मारा यार, सब सारे लोकल कोऑपरेटर सब लोग थे वहां पर, सारे विलेज मिल गए। सोचा बहुत देर में कुछ किया नहीं है ना, कुछ टीरा कांडी करते, पानी का स्कैम करते, सबको मार दिया ना, बुड्ढे को मारते, और वही वर्ल्ड फेमस बुड्ढा जो वर्ल्ड फेमस भावेश जोशी के वर्ल्ड फेमस इंसाफ शो पे आया। छोड़ना यार, अब तू क्या करेगा? सबको मारेगा, सबको रोकेगा? हाँ ले बोल, क्या कर रहा है, कैसे रोकेगा? बोल, बंद कर यार, प्लीज प्लीज बोल ना। अच्छा तू इंसाफ, बंद कर यार ये सब यार, इंसाफ लाएगा तू पागल हो गया, बंद करना यार ये सब, हीरो बन रहा है, हीरो बन रहा है, पागल कहीं का? बोलना क्या करेगा तू, बोलना। आशीर्वाद साले, आशीर्वाद नहीं हूँ मैं, ठीक है? मैं कुछ करूंगा, करके दिखाऊंगा, मारूंगा मैं सबको, सबको मारूंगा मैं, उस कॉर्पोरेटर को मारूंगा जिससे भरवे को मारा था, उस पुलिस वाले को मारूंगा, इसे इसके ना सभी करप्ट नेता को मारना चाहिए साले। क्या यार, क्या फायदा ऐसे देश का, ऐसे देश को तो छोड़ के भाग जाना चाहिए अमेरिका, टूटा सा तो देश है, कोई कुछ करता है यहाँ पे, कोई कुछ नहीं करता साले, सब तेरी जैसे, सबके सब काया रहे। तुझको पता तुझमें और मुझे फर्क क्या है? मैं इस देश से प्यार करता हूं, मैं इसे नुकसान भी नहीं देख सकता, तो मैं यहीं रहूंगा और मैं इसे बदलूंगा। तू ना हिसाब दिन सब खेल के पागल हो गया, तुझे हर चीज में कंस्पिरेसी लग रही है, तो मैं तेरी तरफ दुम दबा के भाग नहीं रहा हूं, मैं यहाँ पे बैठ के कुछ कर रहा हूँ। क्या कर रहा है तेरे 5 साल में इंसाफ के 408 से आधे मेरे और रजत के पूछ ले। ठीक है, किसने कर रहा है सब? क्योंकि मैं बाकी की तरह चुपचाप बैठ के देख नहीं सकता, मैं लड़ रहा हूं और मैं लड़ता रहूंगा, समझा? आराम से बात क्यों नहीं करते यार, कैमरा से शूट करके करप्शन डाय बड़ा ओड्डा भावेश जोशी, कोई सुपर हीरो नहीं है तू, मलाड का हनी प्रॉय यूजर है बस, सिको। अरे आई यू मैड और व्हाट, क्या कर रहे हो यार तुम? तू जा यार, प्लीज जा ना भाई। Sorry, yeah. Think this is funny?
नहीं नहीं इट्स नॉट फनी आई मीन इट्स नॉट सपोज टू बी बहुत बड़ा अरे भाई अरे भाई तुम तो एक मिनट भाई सुन ना सरकार सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके अपनी स्कीम्स को मन की बातों को लोगों तक पहुंचा दे वहीं पर ये भावेश जोशी जैसे एंटी नेशनल लोग इस देश की व्यवस्था को सरकार को पुलिस को यहां तक तो देश को भी नीचा दिखाने से नहीं चुकते पाकिस्तानियों के सपोर्ट पर खड़े हुए ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए कदम अब बर्दाश्त नहीं होता तेरा इशू अभी फिनिश ये नकाब पहनकर फैंटम की तरह जासूसी करना फिनिश तूने अगर मेरे खिलाफ या पुलिस के खिलाफ किधर कुछ भी बोला एक किलोमीटर दूर इधर किधर आसपास को नजर आया तो अगला वीडियो में तेरा बनाऊंगा और वो भी आईसीएस के स्टाइल में भावेश ये सब बंद कर दे यार प्लीज तेरा पासपोर्ट मिल गया बताइयो किधर
तू भी उसके साथ मास्क पहन के जोकर गिरी करता था ना, करता था ना। करता था कि नहीं? जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल ले और मेरी बात मान, अमेरिका में ही रहे। अच्छा तेरे लिए और कोई लोचा नहीं, सब टिप टॉप चलता है उधर, क्योंकि वापस अगर तू अपने दोस्त के साथ शाना बनने का कोशिश करेगा तो हमको तो पता है तू कौन है, किधर रहता है, तू किससे मिलता है, किसके साथ प्यार प्यार खेलता है, समझा? मैंने अपना मास्क उतार कर फेंक दिया है क्योंकि अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा नाम भावेश जोशी है और आप सबको पता है कि मेरे साथ सच बोलने पर क्या हुआ। फिर आज मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा इंसाफ रुकने वाला नहीं है, मैं रुकने वाला नहीं हूं। वो लोग हमारा पानी हमें से चुरा के हमें बेच रहे हैं और वो सच है। मुझे एंटी नेशनल कह के वो अपना सच छुपा नहीं सकते। मैं कैमरे के सामने कहानियां नहीं बनाता हूं, ना ही कोई अफवाह फैलाता हूं। मेरे पास अभी सबूत नहीं है लेकिन मुझे पता है कि सबूत का है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये छोटी सी बात है लेकिन आज वो हमारा पानी हमसे चुरा रहे हैं, कल हमारा ऑक्सीजन खा जाएंगे, हमारे हिस्से की धूप छीन लेंगे। इसलिए हमें लड़ना होगा। मेरे लिए सच्चाई से बढ़कर और कोई चीज नहीं है और सच बताने और दिखाने की कोशिश में अगर मेरी जान भी जाती है तो जाए।
तेरे के रोड क्रॉस कर रहा था, ट्रक ने ठोक दिया, एक्सीडेंट केस। साइन करो। कैसे हुआ? पुलिस कहती है एक्सीडेंट था। वो आपके पास आता था? हाँ, रेगुलरली। कभी क्लास मिस नहीं करता था। अच्छा,
स्टॉप द कार यार, मुझे दिखाएगा ये, मुझे दिखाएगा, तो अभी दिखाएगा, तू दिखाएगा मुझे, ले पीछे ले। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं यहाँ बस इसलिए हूँ क्योंकि मेरे लिए सच से बड़ी कोई चीज नहीं है, और सच दिखाने और बताने की कोशिश में अगर मेरी जान भी जाती है तो जाए। कसम खाली मैंने, कसम खाली, कसम खाली, से गले सारा अंधेरा पी जाऊंगा, है जो क्षमा के तले, मैं तो चला चाहे मेरा छाया भी संग ना चले। कसम खाली मैंने, कसम खाली, कसम खाली, मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस के लिए सीखते, लड़ाई करने के लिए नहीं। पहले लड़ाई शुरू नहीं की, जाओ घर जाओ सो जाओ।
मैं आता भी खाना खाके। क्या ये कितना कॉल करती है? हाँ बोलना, किधर जाने का? Thank you.
मोहन भाई क्या हाल? अबे ये क्या जगह है भाई? करप्शन की मूर्ति है ये। पुराना पैसा होटल का काले पैसे से बनाया था। कोर्ट ने स्टे ऑर्डर ठोक दिया, तब से खंडर है। मजा कर रहा यार, मुझे ऐसे लोगों को डराने में मजा नहीं आता है, लेकिन वेलकम टू माय फाइव स्टार डेन। यहाँ पे सी फेसिंग बालकनी, वहाँ पे क्वीन रूम जहाँ तुम्हें सो जाओ, सी फेसिंग सोफा है और वहाँ पे वॉशरूम। भाई मैं वॉशरूम यूज कर रहा हूँ। हाँ सर। अच्छा सुन, अगर कमोड दिखेगा तो बता देना। मतलब व्हाट? इमिग्रेशनला जोडून द्या सर। हॅलो, हां एक नाम लिख लीजिए, सिकंदर खन्ना। खन्ना कहना चाहता हूं कि अब इंसाफ रुकने वाला नहीं। इस देश की व्यवस्था को, सरकार को, पुलिस को, यहां तक तो देश को भी नीचा दिखाने से नहीं छूटते। पाकिस्तानियों के सपोर्ट पर खड़े हुए ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। सर ये ऑफिशियल वाटर अनाउंसमेंट के हिसाब से दिन में 4 घंटे पानी आना चाहिए, मगर 6 नंबर वार्ड में हफ्ते में चंद घंटों के लिए पानी आता है, ऐसे क्यों हो रहा है?
ऐसा क्यों हो रहा है? मगर छह नंबर वार्ड में हम बराबर चलेगा ना? 100 रुपया आएगा। मुझे ऐसे चार चाहिए।
अभी मैं तुमसे सवाल करूंगा, जरा भी चिल्लम चिल्ली की तो बहुत मारूंगा, इधर ही छोड़कर जाऊंगा मरने के लिए। नाम बोल। सुभाष माथुरी। काम क्या करता है? असिस्टेंट ऑफिसर 6 नंबर वार्ड। भावेश जोशी याद है? नहीं मुझे तो पता। झूठ मत बोल। उस दिन जब भीड़ ने भावेश को मारा तू था ना वहां पे? मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता। सुनो पाटिल कौन है? कारपोरेटर है 6 नंबर वार्ड का। क्यों मारा? भावेश जोशी ने पाटिल के पूरे ऑपरेशन और प्लान का वीडियो बनाया था। पाटिल के वो पाइपलाइन से टैंकर में पानी भरता है, वो वीडियो वो न्यूज चैनल को देने वाला था। पाटिल क्या है प्लान? मुझे नहीं पता। पाटिल किसके लिए काम करता है बोल। पाटिल का प्लान क्या है बोल। हड्डी तोड़ दी इस नालायक की। Come on.
यूट्यूब से वीडियो कैसे निकालते हैं? डिपेंड करता है वीडियो किसका, तेरा या किसी और का? किसी और का वीडियो है। अच्छा, तो उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा, वो दे देना। नहीं है तो फिर तुझे साइट पे जाके रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा प्रोसीजर। टाइम नहीं है, मुझे अर्जेंट चाहिए। वो ऐसा क्या है, कोई पॉन वॉन का चक्कर है क्या? कौन से है बाकी साइट में बारे में? टेररिस्ट बोला, एंटी नेशनल बनाया। मैंने तुम लोग को बोला था वो तुम्हारा पानी चुरा के तुम्हें बेच रहे। मैं वापस अपनी बात दोहरा रहा हूं, इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम भावेश जोशी है और मैं अभी भी जिंदा हूं। आज भावेश जोशी मामले में जबरदस्त वोट दिया है। कॉर्पोरेटर हेमंत पाटिल को औपचारिक पूछताछ के लिए मलाड पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है। तो सोसाइटी अभी यहाँ से क्या चल रहा है? कोई भावेश बनकर इंसाफ के चैनल पर पोस्ट कर रहा है। एक असिस्टेंट बोर्ड ऑफिसर का कन्फेशन वीडियो डाल दिया है। वो कह रहा है पानी चुराने की कॉन्स्पिरेसी में शामिल था। कॉर्पोरेटर पाटिल को भी नाम ले लिया वो सेम स्कैम जिसमें भावेश ने मोड था। और क्या है यार, अगर कोई एक्सपोज कर रहा है तो अच्छा है। सही नहीं है सिक्कू यार, तू बात समझ, ये लोग बहुत डेंजरस है। इनके साथ छेड़खानी करने का नतीजा अच्छा नहीं होता भाई। सर राणा साहब का फोन। हेलो, मात्रे और मीडिया को मैं संभाल लूंगा, एक आदमी भेज रहा हूँ, आगे का काम उसके साथ करना है। जी, इस बार प्लान में कोई दिक्कत नहीं। जी, कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालो। आज मुंबई के वडाला इलाके से वार्ड ऑफिसर सुभाष मात्रे की लाश पाई गई। सुभाष मात्रे वही व्यक्ति हैं जिनकी कन्फेशन वीडियो ने पूरे शहर में धूम मचा दी। पुलिस के सूत्रों के अनुसार बाहर आने के बाद वो डिप्रेशन में चले गए। पुलिस के सूत्रों ने हमें ये भी बताया कि उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें वो बताते हैं कि उन्हें बयान देने पर मजबूर किया गया। यही नहीं, उन्हें धमकाया भी गया और उनके सारे सबूत झूठे और शायद इसी झूठ की संदिग्ध के कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया।
खिलाफ उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। एक बेगुनाह के खिलाफ उन्हें क्या सबूत मिला आप बताइए मुझे। और अगर असली गुनेगार कोई है तो वो है भावेश जोशी, या तो फिर उस मुखोटे के पीछे जो कोई छिप रहा है भाग रहा है वो है। मैं तो कहता हूँ टेररिस्ट जो इस शहर में और धीरे धीरे पूरे देश में एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 टैंक का धमाका हुआ तभी समझ गया था कि ये बेवकूफी तुमने की है। तुम क्या चाहते हो? आवेश ने जो शुरू किया जो करना चाहता था वो खत्म करना चाहता। शहर के अलग अलग पाइपलाइंस पे जाता है और साथ में हमेशा बॉडीगार्ड्स और एक पोनीटेल वाला एक चश्मे वाला आदमी होता है। हर पाइपलाइन पर वो लोग कुछ चेकिंग टेस्टिंग करते हैं और फिर निकल जाते हैं। पानी डायरेक्ट म्युनिसिपैलिटी के फिल्टरेशन प्लांट से भर लेता है। अगर पाटिल टैंकर के पानी को बेच नहीं रहा टैंकर्स को शहर के बाहर भेज रहे हैं दहानू के एक प्लॉट पर। करीब 400-500 पानी के भरे हुए टैंकर बस पार्क कर दे उस प्लॉट पर। पता नहीं ऐसे कितने प्लॉट्स हैं और कितने टैंकर्स हैं उसके पास। रात को पाटिल और उसका गैंग गाजवा में जाकर बैठता है। Thank you.
पीछे उनका एक वीआईपी रूम है, वहां उस दिन बैठकर कुछ तो डिस्कस कर रहे थे, कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा था। बट यूएस से कुछ लाया नहीं मेरे लिए? इसे ढूंढा कैसे? स्नेहा पर नजर रखी थी, पता था उसके आगे पीछे कहीं तो दिखेगा तू,
अरे जगह तो है ही ना। सिको महात्रा तेरी वजह से मरा है। शैतान के साथ सोने की कीमत क्या होती है उसे पता था। ये रियल लाइफ है, चीजें ना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है। आर और पार के बीच में पूरा जीवन निकाल देते मात्र जैसे लोग। तू उसे डिफेंड कर रहा है? वो मर गया है। और भावेश? तो भावेश मर गया तो तू पूरी दुनिया को मारता फिरेगा? तो क्या करूं रजत, माला पहनाऊं सबको? पर ये सब करने से भावेश वापस आ जाएगा। नहीं, पाटिल और उसके लोग पानी के साथ कोई बहुत बड़ा कांड करने वाले और मुझे उन्हें रोकना पड़ेगा। तो अकेला घंटा उनका कुछ नहीं उखाड़ सकता है। तो अकेला मत छोड़ना मुझे, जुड़ जा मेरे साथ। यार तू इतनी कहानियां लिखता था, सुपर हीरोज, भ्रष्टाचार, वो सब ऐसे ही था। तू हीरो नहीं है सिक्कू। मैं जानता हूं मैं हीरो नहीं हूं, मैं बस वही कर रहा हूं कि मुझे सही लग रहा है। स्नेहा के बारे में कभी नहीं सोचा ना? वो लोग मार डालेंगे उसको और तुझे भी। डरता है तू? चवन प्राश है तेरे सुनने में, चवन प्राश है विटामिन जैसा है रंगदाज है, विटामिन जैसा है रंगदाज है तेरे सुनने में, चवन प्राश है। तेरी जान मन, सब शुगर फ्री है बड़ी खाते।
क्या क्या कर रहा है? Thank you.
क्या किया तूने? क्या तू पागल हो गया है? क्या किया मैंने? न्यूज़ देख। मुंबई पे आक्रमण हुआ है। आज फिर किसी ने उसे मारने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं जानता कि मुंबई की आत्मा हजारों लाखों मुंबईकरों से ठसाठस भरी हुई है। अगर एक मुंबईकर का खून गिरता है तो उस कतरे से हजारों मुंबईकर पैदा होते हैं। वाह वाह, ये अराजकता जो हम पे लादी गई है, ये खून खराबा जो हो रहा है, उसे लड़ने की ताकत हमें देता है ये योगेश साहू का बलिदान। ये योगेश साहू दिन रात मुंबई की रक्षा करते रहा। इसने कभी दिवाली में छुट्टी नहीं ली, गणपति में भी उसने अपनी यूनिफॉर्म नहीं उतारी, बल्कि चौपाटी पर खड़ा रहा और ये देखता रहा कि किसी का बच्चा अपने परिवार से जुदा तो नहीं हो रहा। इसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उसे न्याय मिलेगा। क्या बात है, भावेश जोशी नाम है उस आतंकवादी का जो एजेंट है दुश्मन देश का, जो हमारी मुंबई को और इस भारत माता को मारने के लिए आया है। इस नाम का या इस नाम से जुड़े हुए किसी भी एजेंट को रोकना ये सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन उसका नाम और निशान जमीन से मिटाना होगा। सीबीआई, एनआईए, गवर्नमेंट की जितनी भी सारी एजेंसीज है उनसे मैं दरखास्त करूंगा कि मुंबई को स्वच्छ करने की इस योजना में हमारी मदद करें। अगर आप स्वच्छ भय मुक्त भारत चाहते हैं तो सबसे पहले स्वच्छ और भय मुक्त मुंबई होनी चाहिए, तब जाके हम इस भारत माता का कवच बन सकते हैं। और फिर कोई भावेश जोशी इस हमारे गेटवे से भारत के भीतर नहीं आ सकता। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वो लोग पाइपलाइन को उड़ाने वाले, पहले इतना पानी इकट्ठा करे टैंकर में, उसके बाद वही पानी लोगों को वापस भेजेगा। पुलिस को दे दो, फायदा नहीं, कोई मानेगा नहीं। तो फिर तुम क्या करोगे? देखो, उन्हें रोकना तुम्हारा काम नहीं है, को यहां से निकलना चाहिए। मुझे ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंच जाएंगे वो लोग। तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, इससे ज्यादा आपके बेटे को अपनी जरूरत पड़ेगी। हेलो, अगर मैंने तुझे कल कॉल नहीं किया तो मेरे बेसमेंट के कमरे से मेरा लैपटॉप उठा लेना, उसमें एक वीडियो है, देखते ही तुझे सब समझ में आ जाएगा। तू जा कहाँ रहा है?
बैठ के देखता रहा। मैं कोई हीरो नहीं हूं, लेकिन आज मैं किनारे पे नहीं बैठूंगा।
के लिए भी तुझे ये दोष दिया। गरज की कहानी सुनी है, ग्रीक पुराणों में लिखी है, नहीं सुनी? मिनोस नाम का एक राजा था। उसने इकारस पर अपने बाप को एक आइलैंड पर कैद करके रखा था। अगल बगल में चारों तरफ इतना पानी था और पानी इतना गहरा था कि भागने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इकारस का मानना था कि उसका बाप इतना अच्छा कारीगर था कि वो उन दोनों के लिए ऐसे पंख बनाएगा जिन्हें पहनकर दोनों यहां से उड़ जाएंगे। इकारस के बाप ने उसकी जिद मान ली और मोम और पक्षियों के पंख लेकर बहुत ही खूबसूरत पंख बनाए जिसे पहनकर दोनों छू हो गए। इकारस बहुत खुश था। उसके बाप ने उसे चेतावनी दी कि और ऊपर मत उड़ना, नहीं तो मोम पिघल जाएगा। लेकिन इकारस अपनी धुन में मस्त था। वो ऊपर उड़ता चला गया, ऊपर उड़ता चला गया, ऊपर उड़ता चला गया। आखिर मोम पिघल गया और वो गिर गया। इकारस इसलिए मरा क्योंकि वो सूरज के बहुत नजदीक उड़ रहा था। तुम्हें पता है मैं ये बात तुम्हें क्यों बता रहा हूं सिकंदर खन्ना? क्योंकि मैं वो सूरज हूं। आई एम दैट सन।
खून बहुत ज्यादा बह गया है, मैंने इसको पेन किलर दे दिया फिलहाल। मैम मैम जी, इसको रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करना है। रिसेप्शन पे लैंडलाइन है। शहर की जो भी पानी की जरूरत है वो मैं पूरी कर सकता हूँ। अब कहाँ कैसे वगैरह में ना जाते हुए आप जहां कहेंगे पानी का टैंकर पहुंच जाएगा, वो भी मुफ्त। लेकिन मेरी एक शर्त है, आगे के नए पाइपलाइन का कॉन्ट्रैक्ट आगे के इस शहर के पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर में पॉइंट है। सैकड़ों टैंकर्स के जरिए मुंबई शहर को पानी दिया जा रहा है। आज से ये टैंकर्स रोज शहर के चक्कर लगाएंगे। पानी से परेशान मुंबई शहर के लिए मुख्यमंत्री भूले जी का ये मास्टर स्ट्रोक। मुंबई की जनता ने आंखों में आंसू और दिल में धन्यवाद लेकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला, मैं अटलांटा नहीं गया। सच ये भी है कि भावेश मेरी वजह से मिला और मैं किनारे पे बैठ के देखता रहा। मैं कोई हीरो नहीं हूं, लेकिन आज मैं किनारे पे नहीं बैठूंगा। हमने जो साथ में सपने देखे थे वो पूरा नहीं कर पाया। पता नहीं मैं उसको दोबारा कभी देखूंगा मिलूंगा। I'm sorry. I love you. तेरे को सामान बता लिया मैंने, लैपटॉप कैमरा बैग। मैं शाम में मिलता ऑफिस। थैंक यू। पता तुझे और मुझे फर्क क्या है? मैंने इसे से प्यार करता हूं, मैं इसे लुटते भी नहीं देख सकता। तो मैं यहीं रहूंगा और मैं इसे बदलूंगा।
डूबते सूरज के सामने इसकी काली सहकाया खड़ी शहर की तरफ देख रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। ये शहर कभी उसका अपना था, शहर जहां वो पैदा हुआ था, बड़ा हुआ था और उससे प्यार करता था। फिर रजत, ये तेरे सुपर हीरो ना पैदा वैदा नहीं होते, बनते हैं। इनकी लाइफ भी हमारे जैसे खराब ऑटो रिक्शा की जैसे खटर खटर करके रुक रुक के चलती है। पर वो लोग अपनी प्रॉब्लम को ना एक्सेप्ट नहीं करते, उनसे भिड़ जाते बिना सोचे बिना समझे, ये बताने के लिए कि बॉस डेमोक्रेसी में औकात सबकी होती है और चाहे कुछ भी हो जाए हमें लड़ना नहीं चाहिए। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस हेमंत पाटिल। पर आकर रुकते नहीं है, वो डर के किनारे पर खड़े नहीं रहते, डर को मार कर सबको रास्ता दिखाते, उनको होश में लाते, झूठी दुनिया में सच बोलने की क्रांति करते हैं। वो जानते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई को कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, बस लड़ते हैं सच्चाई के लिए। जहां भी करप्शन और क्राइम होगा, ऐसी काली दुनिया को लाइट अप करने के लिए जो 10,000 वॉट का एलईडी बल्ब पैदा होता है, उसे कहते हैं हम हीरो।
कहीं पे दिल के कोने में बटन है एक नादानी का, दबा 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 जो लम्हा लेके आया है बबल गम एक शैतानी का, जबा 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 जहाँ सस्ते में मिलती हो खुशी का वो ठिकाना है, कहाँ 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 तेरी ही नाक के नीचे खुशी मौजूद है पगले, यहाँ 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 तो चल जरा धीरे ना खुल के खातिर मत पेट्रोल की तरह बजा 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 छिड़क दे आज बेसारा बेपरवाह हंगामा, मजा 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 कहा के दौर के मारे जमाने को लतीफा वो सुना 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 बटे जब चार यारों में मजा बढ़ता है उतनी ही गुना 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 तो चल जरा